हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने सेकंड पार्ट लेके आया हूँ सोशल साइंस एंड ई का मॉक टेस्ट का सो so आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और आज हम लोग डिस्कस करेंगे और टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सो आप लोग मेरे साथ बने रहना और यह सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो आसम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम टू के लिए साथ ही साथ आसाम एस सी आर टी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखो ऑनलाइन क्लास चल रहा है दोनों का अलग अलग उस पर आ, मैप्स जनरल इंटेलिजेंस कह सकते है और एस सी आर टी डी एल एड पेड पे बेंगोली भी हम लोग कवर करेंगे सो so, आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी ज्वाइन करने के लिए पार कोर्स के लिए आपको ओनली थ्री हंड्रेड रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यू पी आई यानी फ़ोनपे जी पे या पेटीएम से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पर पे, पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ सो so, शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन सो so, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन से डिस्कस करेंगे नंबर इलेवन नंबर क्वेश्चन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज इज नोन एज इसको जो इंटरमीडिएट जो डेवलपमेंटल स्टेज इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाँ एस क्लाइमेक्स एस क्लाइमैक्स नोडेशन या ऑप्शन डी देखिए सीरी इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी सीरी ये या याद रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यानी आज का सेकंड क्वेश्चन सी ओडी स्टैंड फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कार्बन एंड ऑक्सीजन डिमांड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा चीज और एक है बी ओडी इसका क्या मतलब कह सकते हैं फुल फॉर्म में बी ओ डी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी याद रखना क्वेश्चन नंबर थर्टीन हुच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉस्ड बाई द प्रोटोजोया कौन सा डिजीज कह सकते हैं पोटोजा के, है? के? थ्रू होता है ऑप्शन साइड टीबी यानी ट्यूबर क्यूलोसिस पोलियो मलेरिया टाइफॉइड सो so, कौन सा राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी मलेरिया ये याद रखना सो so, मलेरिया इज स्कोश बाई पोटोजया ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया तो कौन सा डिजीज बैक्टीरिया से होता है चिकन पॉक्स ट्यूबर क्यूलोसिस डेंगू या पोलियो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी टीबी यानी ट्यूबर क्यूलिस बाकी देखो चिकन पॉक्स पोली ये सब कह सकते हैं वायरस वायरस से होता है ये भी याद रखना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सम प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इंडिया रूट नूडल तो कुछ प्लांट के मतलब कह सकते हैं जो रूट नूडल पे नाइट्रोजन फिक्सिंग कह सकते फिक्सेशन जो बैक्टीरिया रहते हैं सो so, देखो वाट आर दिस इसको क्या कहते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रो uh, इट्रोसोमनस nitro, uh, या एजो एजो एजो, एजो तो या ऑप्शन डी राइजोबियम कौन सा राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी राइजोबियम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई आर कॉल्ड जो मतलब खाली खाली आग से हम लोग देख नहीं सकते इनविजिबल ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं पार्टिकल मोलिक्यूल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द बैक्टेरियाम प्रेजेंट इन इज तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग सालमोनलिया टाइफी अ लेक्टोबेसिलस पेनीसिलीन या ऑप्शन डी नान ऑफ द एब इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी लेक्टोबेसिलस क्वेश्चन नंबर एट्टीन आचंस आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर तो लिचन गुड बायो इंडिकेटर किसके किसके लिए एनवायरमेंटल रेडिएशन सॉयल पोल्यूशन या वाटर एंड एयर पोल्यूशन या ऑप्शन डी नान ऑफ द एबम सो इसमें राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी यानी वाटर एंड एयर पोल्यूशन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो कौन सी जगह पे ये जापान के ठीक है और ये 1997 पे ये हुआ था सो इसका मेन एजेंडा क्या है रेगुलेशन ऑफ हेजारडा स्वास्ट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी या कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस या ऑप्शन डी नान ऑफ द एब इसका राइट आंसर का देखो ऑप्शन सी कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम इज ए डैश दैट इज़ प्रीडोमिनेटली यूज एज ए फंगीसाइड ऑप्शन सर वायरस फंगस बैक्टीरिया या प्रोटोजया इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी फंगस आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पहला पार्ट भी देख लेना और नेक्स्ट पार्ट लेके के आऊँगा मैं और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो इस पर प्रीवियस पी भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको थैंक यू सो मच